फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं या आपके पास टैक्सी है, आप टैक्सी चलवाते हैं, आप टैक्सी ओनर हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हर साल आपको रोड टैक्स पे करना होता है, जिसके लिए आप कई बार हॉकर से करवाते हैं, दलाल से करवाते हैं या साइबर कैफे के थ्रू करवाते हैं, तो जो रोड टैक्स होता है उससे ज्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका बेनिफिट कराने वाला हूँ। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप खुद से अपने मोबाइल फोन से भी आप रोड टैक्स पे कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो पे करने से बच सकते हैं। तो बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपना ब्राउजर ओपन करना होगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं। मैं जनरली ब्राउजर यूज करता हूँ गूगल क्रोम। आप फायरफॉक्स यूज करते हैं तो फायरफॉक्स भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना होगा सर्च बार में परिवहन। जैसे ही टाइप करेंगे ये पूरा आ जाएगा parivahan.gov.in। वैसे ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। ये ओपन होने के बाद इस टाइप का एक इंटरफेस नजर आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे जाना होगा। जब आप व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट नेम। अब आपको यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, व्हाटएवर जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको सर्च करेंगे। अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको बिहार पर क्लिक करना होगा और सिंपली कुछ सेकेंड्स का वेट करने के बाद आपको यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पे बिहार सिलेक्टेड है और सेलेक्ट आरटीओ, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कर देंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से आते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, क्योंकि वहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, आईडी बनानी होती है, उसके बाद लॉगिन करना होता है। लेकिन बिहार में और अदर स्टेट के केस में यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे दिल्ली का बनाना है, मैं आपको दिल्ली का दिखाता हूँ। तो सिंपली इस स्टेप को मैं यहाँ पे एक बार बैक करूंगा। बैक करने के बाद मैं आपको दिल्ली सेलेक्ट करके बताऊंगा कि दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या क्या करना होगा। बैक हो गया। बैक होने के बाद फिर से वही इंटरफेस नजर आ रहा, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। मुझे दिल्ली का बनाना है तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद ये इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे माई प्रोफाइल, यहाँ पे लॉग आउट, ऑलरेडी मैंने लॉग इन कर रखा है तो यहाँ पे माई प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, वरना आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड और यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन शो होगा। अगर आप न्यू हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर और वहाँ पे आपको पासवर्ड 2 बार एंटर करना होगा। एक बार पासवर्ड सिंपल एंटर करना होगा, दूसरी बार वेरीफाई करने के लिए वहां पे एंटर करना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड भरेंगे, आपका जो यूजर आईडी है वो बन जाएगा। उसके बाद सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने लॉगिन कर लिया है तो ये इंटरफेस खुलकर आ रहा है। आप भी जब लॉगिन कर लेंगे तो ये इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज शो हो रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और नीचे यहाँ पे पे व्हीकल टैक्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आपको अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा। मैंने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके व्हीकल का चेसिस नंबर है उसका लास्ट 5 डिजिट यहाँ पर एंटर करना होगा। मैंने यहाँ पे लास्ट 5 डिजिट एंटर कर लिया। ये आईडी बनाने वक्त जो आपने कॉन्टेक्ट नंबर डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप वहाँ पे एक ओटीपी आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कई बार आपने आधा अधूरा किया था, वहाँ पे पेमेंट नहीं किया था, तो यहाँ पे शो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन रोड टैक्स में ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग अगेंस्ट ट्रांजेक्शन नंबर इतना। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, पेंडिंग छोड़ दिया, तो सबसे पहले उसे क्लियर करना होगा। क्लियर करने के लिए यहाँ पे फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, यहाँ पर वो चेसिस नंबर डालना होगा और यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना होगा। उसके बाद फिर से ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, लास्ट 5 डिजिट चेसिस नंबर का डालेंगे और फिर से यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे और एक ओटीपी आएगा आपके अपने मोबाइल फोन पे जो आपने रजिस्टर किया था वहां पे। तो एक ओटीपी हमारे यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ओटीपी शो हो रहा है 2575। उसके बाद सिंपली आपको यहां से सबमिट पर क्लिक करना होगा। यहां पे टैक्स डिटेल्स शो हो रहा है, आप यहां से अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। और टैक्स मोड पे यहां पे 3 मोड दिए जाते हैं,
ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। आपको सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, आपको मंथली पे करना है, क्वार्टरली पे करना है या ईयरली पे करना है। तो मैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ईयरली। मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे 1980 यानी 1980 रुपए यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिखेगा जहाँ पे आपको ये कंफर्म करना होगा कि जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो बिल्कुल सही है। तो मैंने इसे टिक कर दिया। यहाँ पे शो हो रहा है कि आई हियर बाय कंफर्म दैट अबव स्टेटेड डिटेल्स आर करेक्ट, यानी जो भी आपने फिल किया है वो सही है। यहाँ पर आपको सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये इंटरफेस आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि पेमेंट आईडी, जो पेमेंट करने का आईडी है वो ये शो हो रहा है, और सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, आप जो गेटवे है वो किसके थ्रू करना चाह रहे हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने SBI ई-पे मल्टी बैंकिंग सेलेक्ट किया है। सिंपली ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स दिखा है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, सिंपली आपको ये टिक करना होगा और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, पेमेंट डिटेल्स में डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और भीम UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। गाइस ध्यान रहे कि अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड पर जो नंबर होता है वो नंबर आपको एंटर करना होगा। यहाँ पे आपको मंथ यहाँ पे एंटर करना होगा, यहाँ पर ईयर, और यहाँ पे CVV नंबर जो कार्ड के पीछे में होता है, बैक साइड में होता है 3 डिजिट का, यहाँ पे एंटर करना होगा। और कार्ड पर जिसका नाम है यानी कार्ड होल्डर का जो नेम है यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ से आप पे कर देंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे कौन से बैंक का। अगर आप SBI के थ्रू करना चाहते हैं, SBI के थ्रू कीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, आप वो डालेंगे, उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे भीम UPI के थ्रू करना है, मुझे यहाँ भीम UPI के थ्रू करना है। गाइज अब यहाँ पे UPI में भी दो तरीके से किए जाते हैं, और गाइज इसलिए भी UPI के थ्रू करना चाहिए कि आजकल लोग गूगल पे, फोन पे, Amazon पे, पता नहीं कौन कौन सा पे है जिसके थ्रू आप आराम से पेमेंट करते हैं। तो अगर आप UPI के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे UPI ID एंटर कर सकते हैं, या आप UPI QR कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर UPI ID सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी UPI ID है यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ से वैलिडेट UPI UPI नंबर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं स्कैन करके करें तो यहाँ पे करेंगे तो एक QR कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आप उसको स्कैन करेंगे और जितना पेमेंट है आपको वहां से करना होगा। जब पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर ये खुल करके आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि रिसिप्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये रिसिप्ट देख सकते हैं कि गाड़ी नंबर क्या है, यहाँ पे किस नेम से रजिस्टर्ड है और टोटल अमाउंट है, ये पेज आपको खुल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कॉन्टेंट मैं अपने इस चैनल पर टाइम टाइम पर लेकर